क्लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉट्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए लॉट्स शूज एंड बैग्स। मुमरा के अमृत नगर दरगाह के पास हजरत ख्वाजा सैयद फखरुद्दीन शाह बाबा अस्पताल में एक्सरे मशीन और ब्लड टेस्ट लैब का उद्घाटन गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड के हाथों हुआ है। इस अस्पताल में ये सुविधाएं स्थानिक नगर सेवक व ठाणे महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान ने करवाया है, जिस पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड ने सानू पठान के कामों की सराहना करते हुए इस क्षेत्र में जहां ज़्यादातर गरीब और मिडिल क्लास के नागरिक रहते हैं ऐसे में अस्पतालों की बहुत ज़रूरत है। इस अवसर पर जितेंद्र आवाड ने कहा है कि हम बहुत जल्द मुमरा में टीबी जांच और डायलिसिस मशीन का इंतज़ाम भी करने वाले हैं। उद्घाटन के बाद गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड ने क्या कुछ कहा है सुनिए। जिस हालात में हम गुजर रहे थे उस हालात में ये भी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोरोना काल में महाराष्ट्र शासन हो, थाना म्युनिसिपल के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, सबके खीसे कटे हुए, किसी के पास पैसे नहीं, उसके बावजूद शानो अपने ताकत पे अगर ये लाता है तो वो उसको मुबारकबाद देनी चाहिए, वो उसकी काबिल है। आज इस पट्टे में जो गरीब तबका है उसके लिए एक्सरे मशीन, उसके लिए पैथोलॉजी लैब, ये बहुत अहम है, क्योंकि यही पट्टे में ज़्यादा रोग राई फैलती है, पानी की वजह से फैलती है और आजू बाजू में जो गंदगी है उससे जो मच्छर बनते हैं वो काटने से जो कुछ बीमारियां होती है उनको तलाशने के लिए तुमको पैथोलॉजी लैब की बहुत ज़रूरत है। और ये सब टीबी इन सब के लिए केंद्र बन चुका है। मुझे लगता है कि एक अच्छा काम राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से शानू पठान ने किया है और ये हॉस्पिटल ही इस एरिया के लिए बहुत मददमंद साबित होगा। एक टीबी इन्वेस्टिगेशन का मशीन भी ला रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर में दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, एक है टीबी की मशीन और एक है किडनी की मशीन।